जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रम। तो दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि शिक्षा, रोजगार और टीचर से संबंधित भारतीय किसी भी राज्य की कोई भी न्यूज़ होती है, कोई भी रिक्रूटमेंट आता है और कुछ भी न्यूज़ होती है आंसर के लिए, लो कट ऑफ से रिलेटेड सारी न्यूज़ मैं सबसे पहले लेकर आता हूँ यूट्यूब पर। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान सेकेंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का जो 17 फरवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ था, उसका एकदम बहुत बढ़िया कोचिंग लक्ष्य कोचिंग का मैं आंसर के आपके लिए लेके आया हूँ। तो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपने मिलाएगा कितना आपके बन रहे हैं और उसी हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो। तो बिल्कुल एकदम सटीक आंसर की है, एक्सपर्ट द्वारा तैयार की। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? वह ये अधिनियम 40% तक शहरी जनसंख्या को अपने में सम्मिलित करता है। कारोबार में सुगमता की रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का क्रम था 190 देशों में 100वां था। दोहरी गणना की समस्या के कारण राष्ट्रीय आय अधिक अनुमानित हो जाती है और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भारत में औद्योगिक निष्पादन का एक महत्वपूर्ण मानक है। निम्न में से कौन सा संगठन इसे प्रकाशित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसे प्रकाशित करता है। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं, कुर्जा पक्षी, डोमोसिल क्रेन, खां बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, खिंजन में पहुंचते हैं। दिसंबर 2018 में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक नियुक्त कौन किया गया थे? कपिल जी गर्ग किए गए थे। देख सकते हो राजस्थान 2018 में हुई विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर था 26 का। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट के पास जिस विभाग का कार्यभार नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग का। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नवीन नियुक्त मिशन निदेशक है समित शर्मा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 2019 की तिथियां थी 24 से 28 जनवरी। किसने लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की? विलहेम वुंड। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका शिक्षक वह अधिगम से संबंधित है? B.F. स्किनर। राजस्थान के किस वर्तमान विधायक ने कॉमनवेल्थ गेम 2010 में स्वर्ण पदक जीता था? कृष्णा पूनिया ने। निम्नलिखित में से किस राजस्थान की कौन सी महिला भारतीय वायुसेना में 7वीं महिला युद्ध विमान पायलट बनी है? प्रिया शर्मा। राजस्थान के नवयुक्त स्वास्थ्य मंत्री कौन है? रघु शर्मा। 15वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान किस दल की प्रत्याशी की मृत्यु के कारण रामगढ़ अलवर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव स्थगित किया गया था? बहुजन समाज पार्टी। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर की कुल भार का कितना प्रतिशत हो जाता है? 45%। निम्न में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में विशेषता नहीं है? संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? अल्फ्रेड विने ने किया था। निम्नलिखित में से कौन से मनोज्ञान प्रायवाद से संबंधित नहीं है? जॉन डीवी। विकास की कौन सी अवस्था की नर्सिज्म सौ प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? वह उत्तर किशोरावस्था में। किशोरावस्था को तनाव यूं तूफान की अवस्था किसने कहा था? स्टेनले हिल ने कहा था ये बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम की सही विशेषता नहीं है? मूल परिवर्ती तथा प्रतीक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल परिवर्ती संवेग से अनुरूप सही नहीं है? जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया था, वो नहीं है युयुत्सा का भय। निम्नलिखित से कौन सा घटक गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु का नहीं है? वो है संज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिमचेर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है? वह है दुर्बल। बेलक के व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध प्रशिक्षण हेतु क्या आयु रखा गया है? वह 3 से 10 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है? वह ढालना। सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्धारित नहीं की गई? वह अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है। एक अध्यापक की
कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस हो तो अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का वचन माउसेस कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार की अधिगम स्थानांतर का उदाहरण है, वह है ऋणात्मक स्थानांतर का। जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर का गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता तो वह घर आने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है, विस्थापन। स्टैनफर्ड बिने बुद्धि लब्धि प्रशिक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार क्या होता है, 35 से 40 और 50 से 55। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, वह आकांक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, अभिवृत्ति जन्मजात होती है, इनकी विशेषता नहीं है। रणथंभौर के शासक हमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन के रणथंभौर पर आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाटक ललित विग्रह राज की रचना किसने की थी, सोमदेव द्वारा। जालौर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था, कान्हर देव। किस ताम्रशालीन स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी, गणेश्वर में। आहार की उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है, ताम्र उपकरण। 7 अग्नि वेदिकों की पंक्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा में। किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, बेराट में। विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका ए बी सी आंसर होगा। किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर के ज्वालापुर परिवर्तित कर दिया था, विग्रह राज 4th ने। निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था, वो था देवपाल। प्रताप के ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी, चावंड में। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जहांगीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था, हरिनारायण शर्मा ने। बुद्धिविलास ग्रंथ के लेखक कौन है, बखत राम शाह। संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18, 1948 को किससे उद्घाटन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। सुमलित कीजिए, इसमें आपका 3 नंबर आंसर होगा। संत पीपा के गुरु कौन थे, रामानंद थे, ये तो सबको पता होगा। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, बणेश्वर मेले को कहा जाता है। गोड़वाड़ प्रदेश को यही भी कहा जाता है, लूणी जवाई बेसिन। गोपन की वर्गण के अनुसार गंगानगर हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, BSHW। किशनगढ़ चित्रकला शैली की संरक्षण सावत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, वृंदावन में हुई थी। निम्नलिखित में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है, वो महामाया माता को। 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना की थी, वो कलकत्ता में की थी। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम क्रम से कितना विस्तार है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 826 और 869 किलोमीटर। निम्नलिखित में कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, वो पार्वती नहीं है। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 में अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, 55.64। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट को उपयोग करते हुए सही उत्तर बताइए। तो इसका आंसर आपका 4 नंबर होगा। राजस्थान में पोंगल नस्ल है भेड़ की। निम्नलिखित में से 2011 की जनसंख्या अनुसार राजस्थान की जनसंख्या संबंधित सही है, वह है ए बी, 2 सही है ओनली। तो देख सकते हो आप, सूची 1 पर्यटन क्षेत्र और सूची 2 जिला को सम्मिलित करना है, इसमें आपका आंसर होगा 2 नंबर, 3, 4, 2, 1, ये सही सम्मिलित है। तो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी, 1975 में की थी। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए, इसमें आपका 1 नंबर होगा, बी और सी सही होगा ओनली। निम्नलिखित में किस महासागर सबसे वृहद मध्य महासागरीय कटक स्थित है, अंद अंटार्कटिक। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ था, वो हो रहा केटो वाइस में। विश्व के किस प्रदेश की गर्मी 40 से चलती है, 40 डिग्री उत्तर से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। विगत कुछ दशकों से भारतीय कृषि परिदृश्य में कौन सी नवीन परिवर्तन देखी गई है, वो आपका आंसर होगा 4, केवल ए और बी। महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही आरोही है, एशिया अफ्रीका यूरोप दक्षिणी अमेरिका। भारत में निम्नलिखित से कौन सा राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है, नागालैंड की। बागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में। जुलाई में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थित होता है, वो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के आसपास। निम्नलिखित से कौन से भारतीय उद्योग भारत की युवा के नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए,
वैसी और डी सूती और जूट उद्योग। भारत में संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तीसरी अनुसूची के अनुसार राज्य की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उस राज्यपाल धन विधेयक की पूर्ण विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। किस राज्य के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उन राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी? 15%। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सावधानी बढ़ती है, पर सावधान से पढ़िए, वो केवल एक और दो होगा आपका। मुख्यमंत्री प्रमुख सलाहकार होता है और वो राज्य के सेवाओं का प्रमुख भी होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? आयोग में सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष रूप में प्रधिकृत कर सकते हैं। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2018 को यथाविधान है 295। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। राजस्थान की ग्राम पंचायत में सरपंच, उपसरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? विकास अधिकारी को। संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित, हम भारत के लोग संविधान के निम्नलिखित विशेषों के घनिष्ठ रूप से जुड़ा संप्रभु राज्य। राजस्थान में राज्य सरकार की राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन में अधिसूचना कब जारी की? 18 जनवरी 1999 में। भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एड संघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन, क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है परंतु में देव शासन? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान मौलिक अधिकारों की सूची में विलोपित कर दिया गया था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई जी के टाइम पे। निम्नलिखित संगठनों में से भारत की सदस्य नहीं है, वो ओपेक का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी? वो थे के आर नारायणन। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? सिक्किम 1973। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है? छोटू भाई वसावा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद की वैधानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख है? वो 51 के उज्जय। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे नियुक्त। निम्नलिखित सूची 1-2-1 को 2 से मिलाकर के बताइए, तो आपका आंसर होगा 1। 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई? वो आपका 111। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, और निर्वाचन गण शामिल कौन कौन होंगे उसमें? संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और इसका राष्ट्रीय राजनीति दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल ने कितने राज्यों को लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए? वह 4 ऑप्शन होगा आपका 3 राज्यों में। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बस राजने का प्रारंभ किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत में केवल दो राज्य अपने कुल फसलीकृत क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 50% से अधिक रखते हैं। वे दो राज्य कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा। तो यह था आंसर की पूरा, आप आंसर मिला ले कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको सेकंड पेपर में कितनी मेहनत करनी है, उसी हिसाब से आप पढ़ करके जाइएगा। तो चैनल पर स्टार्ट विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।